अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वीडियो लेक्चर सीरीज़ का आज लेक्चर वन है, जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव है व्हाट इज़ अकाउंटिंग एंड व्हाट इज़ अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग का ताल्लुक बेसिकली बिजनेस वर्ल्ड के साथ है एंड बिजनेस का मतलब है एनी लीगल एक्टिविटी टू जनरेट प्रॉफिट। सो इफ अगर हम बिजनेस के मीनिंग को कैप्चर कर लें तो हम अकाउंटिंग को भी कैप्चर कर लेंगे आसानी से। सो व्हेन आई से बिजनेस इज activities to generate profit and these are the activities to generate profit। और ये activities हमारे पास कौन कौन सी हैं? Income generation activities हैं, expenses होते हैं business world के अंदर जिनसे profit generate होता है। और हमें पता है कि profit का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम। सो इट मीन्स कि अगर हमने प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना है तो हमें इनकम और एक्सपेंस को कैलकुलेट करना, और कैलकुलेशन बेसिकली अकाउंटिंग है। और बिजनेस वर्ल्ड के अंदर ये जो कैलकुलेशन है ये एक दिन के ऊपर या दो दिन के ऊपर मुश्तमिल नहीं होती, ये बेसिकली लंबा टेन्योर, एक लॉन्ग टेन्योर है जो चलता है, जिसमें डेली बेसिस पर इनकम एक्टिविटीज हो रही हैं और एक एक दिन के अंदर मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं एक्सपेंसेस के लिए। और सिर्फ इनकम और एक्सपेंस से ताल्लुक नहीं होता इन एक्टिविटीज का, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसके अंदर एसेट्स जनरेट होते हैं। एसेट्स अगर हम सिंपली कहें तो ये लैंड्स एंड बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, ये सारे आपके एसेट्स हैं जो बिजनेस के अंदर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ऐसे ही एक और कंपोनेंट है बिजनेस की एक्टिविटीज का, दैट इज द लायबिलिटीज, दैट इज लोन, क्रेडिटर्स। कभी बिजनेस पैसा ले रहा है, कभी उस पैसे को वापस कर रहा है, ये सारी की सारी वो एक्टिविटीज हैं जो बिजनेस के अंदर होती रहती हैं। इन एक्टिविटीज को हमने कैलकुलेट करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है खास पैटर्न के साथ, क्योंकि ये सारा बिजनेस वर्ल्ड के अंदर ये सारा एक दिन का या दो दिन का प्रोसेस नहीं है। बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स कैलकुलेट होते हैं आफ्टर अ ईयर, जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, एक साल का ड्यूरेशन आमतौर पर होता है। और एक साल में होने वाले तमाम ट्रांजेक्शन, तमाम एक्टिविटीज जिनका ताल्लुक इनकम के साथ है, जिनका ताल्लुक एक्सपेंस के साथ है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। इवन के वो ट्रांजेक्शन जिनके अंदर लैंड्स एंड बिल्डिंग्स, एसेट्स परचेज हो रहे हैं, लोन लिया जा रहा है, लोन वापस किया जा रहा है, ये सारी वो एक्टिविटीज हैं जो बिजनेस के अंदर होती रहती हैं। और एक एक साल के ड्यूरेशन के ऊपर जितनी होती हैं उसको, उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं, फिर ये कैलकुलेट करते हैं कि ओवरऑल एक साल के बाद बिजनेस ने प्रॉफिट जनरेट किया है या उसको लॉस सस्टेन हो रहा है उसका। सो इन तमाम काम के लिए हमें अकाउंटिंग का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ये सारे का सारा काम जो है एक सिस्टमैटिक ऑर्डर के तहत हो सकता है, और उसी सिस्टमैटिक ऑर्डर को हम बेसिकली, सिस्टमैटिक पैटर्न को हम अकाउंटिंग का नाम देते हैं। अगर हम यहाँ पर अकाउंटिंग को भी डिफाइन करें उसी यूनिवर्सल डेफिनेशन के तहत, तो हम कहते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड अल्टीमेटली इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑल रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड जो है, इस तमाम एक्टिविटीज को हम सबसे पहले रिकॉर्डिंग में लेके जाते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, पूरा साल इसकी रिकॉर्डिंग होती रहती है। फिर इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है, मुख्तलिफ इनकम्स वाली आइटम्स को अलग क्लासिफाई कर दिया जाएगा, एक्सपेंस वाली आइटम्स को अलग क्लासिफाई कर दिया जाएगा, एसेट्स की एक्टिविटीज को अलग से रिकॉर्ड किया जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा, लाइबिलिटीज को अलग से क्लासिफाई किया जाएगा, फिर इनकी समरीज तैयार होंगी।
जिनको हम अगले लेक्चर से इसमें डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। फिर इस तमाम सेमरीज को हमने खास प्रिंसिपल्स के तहत, कुछ खास असूलों के तहत हमने इसको इंटरप्रेट करना है, और इंटरप्रेट करके हमने एक रिजल्ट फाइंड आउट करना है। वो रिजल्ट हमें बताता है कि अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस है, या हम प्रॉफिट बना रहे हैं बिजनेस के अंदर या हम लॉस ले रहे हैं। और ये सारे का सारा जो प्रोसेस है, ये सारे का सारा एक खास अकाउंटिंग पीरियड के बाद कंप्लीट होता है, इसलिए हम इसको अकाउंटिंग साइकिल का नाम भी देते हैं, जो रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होता है और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिकॉर्ड तक जो है वो मूव करता है। अगर हम इसको देखें इस तरह, तो अगर आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो डेली बेसिस पे होती है, जैसे जैसे बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज होती हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, इनकम एक्सपेंसेस एसेट्स और लायबिलिटीज के डेली बेसिस पे, बड़ी फर्म्स के अंदर हंड्रेड ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो इनकम से रिलेटेड हैं, हंड्रेड ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड हैं, हंड्रेड ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो एसेट्स से रिलेटेड हैं, एंड सो ऑन फॉर द लायबिलिटीज टू। सो हमने इसी क्लॉक रिकॉर्डिंग करनी है सबसे पहले, तो डेली बेसिस पे इनकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। तो जो रिकॉर्डिंग करने के लिए जो हम चीज बनाते हैं, उसको हम बेसिकली जर्नल कहते हैं। जर्नल बेसिकली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस है। इसकी रिकॉर्डिंग के बाद फिर हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, एंड क्लासिफिकेशन इज नाउन टू बी द लेजर फॉर्मेशन। क्लासिफिकेशन के बाद फिर हम इसकी समराइजिंग करते हैं। जब समराइजिंग होती है तो हम कहते हैं कि हमने ट्रायल बैलेंस फॉर्म कर ली, और फिर इस समराइजिंग से हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन किसके काम के लिए, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसके अलावा फर्म्स के एसेट्स कितने हैं पूरे साल के अंदर, एंड फर्म्स की लायबिलिटीज कितनी है, उसने क्या देना है और क्या उसने लेना है, और इस सारे काम को हम नाम देते हैं फाइनल अकाउंट फॉर्मेशन से। तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है। जो सारा पैटर्न है रिकॉर्डिंग का, जर्नल फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन, लेजर फॉर्मेशन, समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस फॉर्मेशन एंड इंटरप्रिटेशन, फाइनल अकाउंट फॉर्मेशन जिसके अंदर प्रॉफिट और लॉस, एसेट्स और लायबिलिटीज को फाइनली फाइंड आउट करते हैं कि बिजनेस क्या है, इस सारे को हम नाम देते हैं अकाउंटिंग साइकिल का। साइकिल क्योंकि ये खास पैटर्न पे चलता है और हर साल चलता है, हर साल के बाद फर्म ये देखती है सो कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो उसको इसी एक पैटर्न के ऊपर जो है वो मूव करना पड़ता है, तो इसको हम नाम देते हैं अकाउंटिंग साइकिल का। तो ये हमारी अकाउंटिंग की सिंपल सी डेफिनेशन जिसका ताल्लुक बिजनेस की एक्टिविटीज से है, और उसी के मुतालिक हमारा एक अकाउंटिंग साइकिल की डिटेल जो है जिसके अंदर हम एक खास पैटर्न से करते हैं, क्योंकि ये डिसीजन आउट ऑफ रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग जो हो रही है वो एक खास पैटर्न पर हो रही है, दैट इज अ जनरल फॉर्मेशन, जिसकी हम डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एंड सो क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड बैलेंस शीट। सो आज के लेक्चर में हमारे ये दो ही ऑब्जेक्टिव थे, अकाउंटिंग क्या है एंड अकाउंटिंग साइकिल क्या है। होप सो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर के बाद इंशाल्लाह फर्दर हम जर्नल के ऊपर जो है वो बात करेंगे।